चलना भी मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत मजा आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। तो मैंने अपने शहर आगरा से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है और यहाँ से मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ सीधा दिल्ली। तो थोड़ी देर नेशनल हाईवे पे चलने के बाद मैंने यमुना एक्सप्रेस वे ले लिया है और मैं सीधा दिल्ली यहाँ से पहुँच जाऊँगा। और दिल्ली से मनाली जाने के लिए मैंने वॉल्वो ऑलरेडी बुक कर रखी थी, जिसका प्राइस मेरे को पड़ा था 950 रुपये का। तो मेरे साथ में मेरे दो दोस्त और जा रहे थे जिन्होंने मेरे को दिल्ली से ही ज्वाइन किया था। तो यहाँ मनाली पहुँचने के बाद हम लोग ने एक टैक्सी बुक करी जो हम लोग को बस स्टैंड से होटल तक लेके गई थी और उसने हम लोग को 200 रुपये चार्ज किए। और ये होटल हम लोग ने बुक किया है, इसका प्राइस हम लोगों को पड़ा है 1800 रुपये। इसका नाम है होटल माउंटेन टॉप और ये पड़ता है हिडिम्बा रोड पे। तो इस 1800 रुपये में हमारा ब्रेकफास्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। और आपको मैं ये व्यू दिखा देता हूँ, ये खिड़की से ऐसा कुछ व्यू मिलता है और आप छत पर जाएंगे तो कुछ ऐसा व्यू आपको यहाँ से मिलेगा। तो अपने होटल से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं घूमने के लिए। हम लोग जा रहे हैं गुलाबा वैली और सोलंग वैली। तो ये टैक्सी का प्राइस पड़ा है हम लोगों को 3000 रुपये का। हम आ चुके हैं अभी कोठी विलेज में, ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का लास्ट विलेज। यहाँ सिर्फ 4x4 व्हीकल से ही आइएगा, नहीं तो आपकी गाड़ी यहीं फंस जाएगी। दोस्तों हम पहुंच गए हैं गुलाबा वैली में और यहाँ देख लीजिए पूरा स्नोफॉल हो रहा है। अभी लाइव स्नोफॉल मैंने पहली बार देखा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही सुंदर, मैंने तो शायद ऐसा कभी नहीं देखा। सीरियसली इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ये कितना खूबसूरत है, सच में इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। हेलो, इस बर्फ़ में आके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इंडिया में हूँ ही नहीं। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं स्विट्ज़रलैंड में आ गया हूँ। ये देखिए पाँव कितने अंदर तक चले जा रहे हैं, ये देखिए बहुत अंदर तक। अरे बाप, चलना भी मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आ रहा है, बता नहीं सकता। मैंने फर्स्ट टाइम बर्फ देखी है और ये देखिए, ये देखिए यहाँ पेड़ को भी हिला रहे हैं। तो उतार अरे यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ गिर रही है। तो मेरे दोस्त ने मुझे निकाला यहाँ से, ज्यादा आगे मत जाइए कभी बर्फ में ही, बाहर भी ना निकल पाए वहां से। बर्फ का नजारा ले लीजिए आप मेरे साथ में, ये देखिए कितनी अंदर तक मेरा हाथ जा रहा है, ये देखिए ऑलमोस्ट 1.5 फीट के अंदर तक मेरा हाथ चला गया है। गाइस यहां से जाने का मन तो नहीं कर रहा था लेकिन जाना पड़ेगा, काफ़ी टाइम हो गया यहां पे, मतलब को ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे यहां पे हो गए हैं। आगे सोलांग वैली भी जाना है और हमारे ड्राइवर साहब भी अब बोल रहे हैं कि जल्दी आओ, आगे भी जाना है तो अब निकलना पड़ेगा यहाँ से। काफ़ी सारी यादें लेके जा रहे हैं यहाँ से, फिर आएंगे। ये भाई इनकी 4-व्हील ड्राइव नहीं है गाड़ी और ये यहाँ लेके आ गए हैं। तो भाई मुझे लग रहा है इनकी गाड़ी यहीं फंस जाएगी, तो हमारे ड्राइवर साहब यही कह रहे हैं कि इस गाड़ी को यहाँ से हटा लो, ये ऊपर मत लेके जाओ इसे, नहीं तो यहीं फंसी रह जाएगी एक गाड़ी। हम लोग सोलांग वैली आए हैं, यहाँ सोलांग वैली से हम लोग कम से कम 1.5 किलोमीटर पहले ही हम लोग रुक गए हैं। तो हमारे कैब वाले ने हमको 1.5 किलोमीटर पहले ही उतार दिया है क्योंकि यहाँ बहुत जाम लगा हुआ पीछे में। अगर हम अभी गाड़ी में बैठ के जाते तो हमें ऐसे ही 1.5 घंटा लग जाता है यहाँ से, तो हम लोग अभी वॉक करके जा रहे हैं। भाई साहब 40 रुपये का भुट्टा दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन खाया जा सकता है क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। भुट्टा खा के ख़त्म नहीं हुआ, अब खाना है इन सबको मोमोज। नसीब अच्छा है दोस्तों, यहाँ भी स्नोफॉल मिल गई है हम लोगों को।
में आपको सोलांग वैली जाना है तो कर्मा ढाबा से आप टर्न हो सकते हैं, ये शॉर्टकट पड़ जाता है। हम लोग पहुंचने वाले हैं बस सोलांग वैली। यहाँ आप पीछे में देख सकते हैं स्कीइंग हो रही है, बच्चे भी स्कीइंग कर रहे हैं और यहाँ लोग प्रैक्टिस करने भी आते हैं स्कीइंग वगैरह। ये देखिए स्कीइंग कर रही है, छोटे छोटे बच्चे आपको स्कीइंग करते हुए दिख जाएंगे। ये मोटर बाइक जा रही है, स्नो बाइक बोलते हैं इसको। बड़ा मज़ा आ रहा है। ये पीछे जॉर्बिंग भी हो रही है, ये बॉल रखी हुई है, आपको दिख रही होंगी पीछे बॉल। इसके अंदर आपको डाल दिया जाएगा कि यहाँ पे छोटा सा होल बना हुआ है, इससे आप अंदर जा सकते हैं और आपको एक बंदा पीछे से रोल कर देता है। तो छोटे छोटे बच्चों को ये एडवेंचर बहुत पसंद आता है। ये देखिए पीछे पैराग्लाइडिंग वाले लोग आ रहे हैं, कुछ पैराग्लाइडिंग चल रही हैं ऊपर, आप देख सकते हैं। इसमें भी अलग अलग हाइट से होती हैं पैराग्लाइडिंग। ये नॉर्मल हाइट की जो पैराग्लाइडिंग है ये है 1000 रुपये की। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग करनी है तो आप इस ट्रॉली से ऊपर जा सकते हैं और इसका प्राइस आपको पड़ेगा 3000 रुपये। तो यहाँ भी हमने कम से कम 1.5 घंटा बिता लिया है, काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे। खुद कोई एक्टिविटी हम लोग ने की नहीं, पहले मैं कर चुका हूँ यहाँ पे एक्टिविटी पहले आके, सिर्फ हम लोग घूमने के लिए आए थे तो सोचा थोड़ा हम घूम लेते हैं, थोड़ा आपको घुमा देते हैं। तो पहले दिन तो हम लोग मनाली में काफ़ी ज़्यादा घूमे और अगले दिन जब हम लोग सो कर उठे और हम लोग ने अपनी खिड़की से झांक कर देखा तो कुछ ऐसा नज़ारा था। अब हमारी गाड़ी आई है, ये हमें दूसरे होटल में ड्रॉप करेगी। स्नोफॉल अभी भी बहुत तेज़ हो रही है, यहाँ हम लोग पैदल नहीं जा सकते थे। तो कल तो हम लोग को ये स्नोफॉल बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन अब ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे कि स्नोफॉल कब रुकेगी, अब स्नोफॉल रुकी है थोड़ा सा, तो हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए। थोड़ा काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी है, देखिए पैर भी पूरे धंस रहे हैं इसमें। ये देखिए फिर शुरू हो गई स्नोफॉल हमारे, अगर नहीं निकलते तो हम लोग यहीं रह जाते। तो अगर बाहर जाना है तो इसी स्नोफॉल में निकलना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है यहाँ, ना गाड़ी मिलेगी ना कुछ। ज़्यादा दूर नहीं है मॉल रोड यहाँ से, लगभग 1 किलोमीटर होगा, 1.5 किलोमीटर, लेकिन फिर भी जाने में हम लोग पूरे भीग जाएंगे। होटल वालों का भी कहना सही है बिल्कुल कि स्नोफॉल देखने में तो अच्छी लगती है लेकिन उतनी ही समस्या भी होती है, इससे उतनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ये। मनाली आया और फिर मॉल रोड पे नहीं घूमा तो क्या मतलब है। तो हम लोग पैदल चल के पहुंच गए हैं अभी मॉल रोड पे। काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम गई है यहाँ पे, कल बिल्कुल कुछ नहीं था यहाँ पे, एकदम नॉर्मल था, आज इतनी बर्फ है यहाँ पे। बाकी सारे हिल स्टेशन की तरह यहाँ भी एक मॉल रोड है, ये आप जैसे आपको मसूरी में, नैनीताल में, शिमला में, हर जगह एक मॉल रोड मिल जाएगा। मैं पहले आया था यहाँ पे मॉल रोड पे, मैंने होटल लिया था। इस बार मैंने सोचा थोड़ा मॉल रोड से हट के होटल बुक किया जाए, इस बार हम लोग ने हिडिम्बा रोड पे बुक किया है और वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ मॉल रोड पे व्यू नहीं मिलता, वो बात अलग है कि यहाँ मार्केट से आपको एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको मार्केट जाना है तो वहाँ से आने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन व्यू अगर आपको चाहिए तो आपको उधर हिडिम्बा रोड की तरफ ही रुकना चाहिए। और भी थोड़ा एरियाज़ हैं मनाली से पहले और बाद में जहाँ आप रुक सकते हैं। तो
ठंडी तो बहुत हो रही है यहाँ पे, लेकिन मैंने सोचा इस ठंडी में क्यों ना एक सॉफ्टी खा ली जाए। ठंडी में भी दोस्तों आइसक्रीम खाने का मज़ा अलग ही है। मैं सबसे पहली बार जब मनाली आया था तो यहाँ कुंजुम होटल में रुका था। ये पीछे देख सकते हैं आप कुंजुम होटल, बहुत अच्छा होटल था ये भी। करीब एक डेढ़ घंटा मॉल रोड पे बिताने के बाद हम लोग अब होटल की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास 4x4 व्हीकल नहीं है और आप स्नोफॉल के टाइम पे मनाली आने का सोच रहे हैं तो आपकी गाड़ी का भी यही हाल हो सकता है। हम लोग फाइनली होटल में वापस पहुंच चुके हैं, अब थोड़ा आराम आराम करेंगे और कल निकलेंगे हम लोग कसोल के लिए। मनाली को गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। तो अगर आपको मेरे साथ मनाली घूमकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।